यही तो बनेगा शायद, बना लो सर। पीछे आया, पीछे आया मेरे भाई यार। ये पहला चरण है और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10-10 जीतेंगे महापौर और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफ़े से ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों के अंदर विश्वास और बड़ा है। मोदी जी, योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके अंदर उन लोगों का विश्वास, क्योंकि नीचे कार्य हो रहे हैं विकास के और कानून व्यवस्था, और विशेष रूप से कहूँ प्रयागराज तो कानून व्यवस्था एक जनता के लिए बहुत बड़ा ये विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब की बार मतदान ज़्यादा पड़ेंगे। कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस तरह से बजरंग बली का मुद्दा उठा, उसको लेकर क्या फर्क देखते हैं? देखिए, अब तो ये हो गया है कि कांग्रेस और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हिंदुत्व या हिंदू जितने भी आस्था के विषय हैं उनको वो नकारती जा रही है और वो नहीं चाहती कि लोग बजरंग बली का भी नाम लें या उनकी पूजा करें। तो ये जब इन लोग का है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं जो संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता कि हम 4% हम रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम को, तो ये लगता नहीं है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं वो अब सेकुलर नाम के भी नहीं रह गए हैं। पहले तो नाम कहते जिसलिए सूडो कहते थे हम लोग, मगर अब जो उन लोग पार्टियाँ हैं ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक पार्टियां हो गई हैं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, शहर के सरकार के, इसमें तमाम स्थानीय मुद्दे विकास के रहते हैं, लेकिन माफिया को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से ये मुद्दा रहा है लोगों के लिए? देखिए, ये माफियाओं के लिए जिस प्रकार से पूर्वांचल से माफियाओं का अंत किया गया है योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि लोगों से जुड़ता है, सीधा जुड़ता है। सुरक्षा कानून व्यवस्था एक सीधा मुद्दा है और इसीलिए लोग उस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। और ये यहाँ का जो एक बड़ा मुद्दा एक और रहेगा वो है 2025 का कुंभ, क्योंकि कुंभ के लिए भी जो प्रयागराज की जनता है वो वोट डालेगी भाजपा के लिए।